हेलो दोस्तों, व्लॉग्स विद आशीष में आप लोगों का स्वागत है। आज इस सफर की मंजिल है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है सांची, जहां बसते हैं सांची के प्रसिद्ध स्तूप। द ग्रेट स्तूपाज ऑफ सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। इन्हें द ग्रेट अशोका ने 3 सेंचुरी BCE में बनवाया था। और आखिर इस जगह ही क्यों बनवाया, सारे सवालों के जवाब आगे हम खोजेंगे। सफर का आनंद उठाइए और देखिए सफर के डैश कैम फुटेजेस। के लिए भोपाल से आगे बढ़ते वक्त हम क्रॉस करते हैं एक काफी बड़े ज्योग्राफिक लैंडमार्क को। नाम है जिसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे हम हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, उसे भी हम पार करते हैं। भोपाल के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के 14 और डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरती है, जिनमें रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, ये सभी शामिल हैं। हो गए ना 14। एनीवेज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का गुजरना ही मध्य प्रदेश के हार्श क्लाइमेट और इनवेरिएंट क्लाइमेट का कारण है। चलिए अब हम सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सांची की तरफ। इसी रास्ते पर सांची से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी से ही हमको अपने सीधे हाथ तरफ सांची के स्तूप पहाड़ों के ऊपर नजर आने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3rd BCE में स्तूप का निर्माण द ग्रेट अशोका के संरक्षण में ही हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, सांची हैज बीन स्पेशल फॉर द ग्रेट किंग बिकॉज दिस वॉज द प्लेस वेयर द ग्रेट किंग टाइड नॉट्स विद देवी। देवी जो एक सांची के ही मर्चेंट की बेटी थी, यहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं उनका विवाह अशोका जी से हुआ। सांची के स्तूप बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर क्यों है? क्योंकि इस स्तूप के कोर में लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स और एशेस प्रिजर्व्ड हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दिस डोम शेप सिंबलाइज द डोम ऑफ हेवन एनक्लोजिंग द अर्थ विद इन। इस डोम के चारों तरफ चारों दिशाओं में गेट बने हुए हैं, जिन पर काफ़ी सारी इमेजेस कार्व्ड आउट हैं, जो कि टाइमलाइन शो करती हैं मौर्य एम्पायर की और मौर्य के समय की। सेकेंड BCE में इस पिलग्रिमेज को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया था और दोबारा 1st BCE में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिलीजियस बिलीफ, दिस प्लेस शुड कम इन योर 2 विजिट प्लेसेस। जितना मैंने बताया है इस प्लेस के बारे में, वो पूरे का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आई गेस आपको पसंद आया होगा। तो ये था कुछ हमारा एक्सप्लोरेशन सांची के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ से लौटते वक्त हम भोजपुर टेंपल में रुके, जिसके ड्रोन फुटेजेस, सिनेमेटिक फुटेजेस मैंने अपने IGTV पर, इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं, तो जाके आप उन्हें भी देखिएगा और हमें वहाँ पर भी फॉलो करिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।